वे मीना बीनणी, आरती के समय मंदिर जाकर दर्शन करने से ज्यादा पुण्य मिले, और आज वे आज तो दर्शन के बाद इतने सुंदर भजन सुनने को मिल गए कि आनंद आ गया। हे मारा राम जी, आरती भजन सुने किसने, मेरे कानों में तो बस भगवान दास की आवाज ही गूंज रही थी। मीना जी टिक्की चटनी और ले लो, मीना जी बड़े बड़े गोलगप्पे तीखा तीखा पानी ले लो, बड़े बड़े गोलगप्पे तीखा तीखा पानी, चाट चटपटी मसाले वाली है, ले लो गोलगप्पे बड़े बड़े तीखा तीखा पानी। समझ गई चाचा, घर चला। बहुत खुश हूँ, आपको पता है यहाँ आकर मेरे बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। आपको पता है 10 साल पहले मैं यहाँ पापा के साथ आई थी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने। क्या प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने 10 साल पहले, वो भी दिल्ली में इतनी दूर? अरे संध्या जी, अरे बाबा से तो कहीं लेके जाना होता था तो मेले लेके जाते थे, और ज्यादा से ज्यादा चाट पकौड़े खिला देते थे वहाँ पे, और दूर से दूर अगर कहीं लेके जाना होता था तो अजमेर लेके जाते थे कपड़े दिलाने के लिए, और आपके पिताजी तो दिल्ली इतनी दूर भाषण सुनाने के लिए। चाट की खट्टी मीठी खुशबू अभी तक हमारे नाक के सामने से उड़ती ही जा रही है। ये गई, वो गई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही कि सामने चाट, सपने में भी चाट ही दिख रही है हमारे को। सपना ना है बीनणी, रखी है खा ले चाट। बाबू आपने हमारे लिए बाजार से चाट मंगवाई है? बाजार की ना है। ए संतूड़ी, बीनड़ी चाट छुपा ले जल्दी से, नहीं तो 1 के 10 सवाल पूछेगी। जल्दी कर। छुपा रही है मीना बीनणी? कुछ भी तो नहीं। चाट तुम छुपाने की क्या बात है, ले खा ले। देख रही हूँ संतूड़ी, मीना बीनणी ने छुपते छुपाते बाजार में चटपटी चाट पकौड़िया का मजा लेते तो बहुत बार देखी हूँ, पर आज तो यार घर में ही लेकर बैठी है, और वो भी तेरे सामने। क्या बात है, हाँ कोई खुशखबरी है क्या?